आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एसएल मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी सेंटर का निर्माण अंतिम चरण में है। जुलाई से इसमें गंभीर रोगों की ओपीडी शुरू हो जाएगी। कॉलेज प्रशासन ने इमारत के हर मंजिल पर विभाग तय कर दिए हैं। इसी के आधार पर ऑपरेशन थिएटर और वार्ड बनाए जाएंगे। पहली मंजिल पर न्यूरोलॉजी के मरीज देखे जाएंगे, 8वीं पर होगा दिल का ऑपरेशन। एसएन मेडिकल कॉलेज में लगातार व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है, चाहे ओपीडी की व्यवस्था हो, चाहे वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए व्यवस्था हो, हर दिन कुछ ना कुछ नए बदलाव होते चले जा रहे हैं। हमारे साथ एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हमारे साथ हैं, प्रशांत गुप्ता जी से बात करेंगे। सर ये बताएं सर, किस तरह की व्यवस्थाएं सर एसएन मेडिकल में और नई की जा रही हैं? सर देखिए, व्यवस्थाएं जैसे आज ही यहाँ आपने पूरा किया ही है, देखा ही है कार्यक्रम, ऑप्थल्मिक्स डिपार्टमेंट में स्लिट लेन बाय माइक्रोस्कोपी सिस्टम विद माउंटेड कैमरा, ये मशीन आज डोनेट हुई है। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरतें हैं, जैसे कि मॉर्चरी में है, कोल्ड रूम की बात थी, वहाँ कोल्ड रूम की व्यवस्था हो रही है, और एक्सरे के संबंध में है, विभिन्न विभागों में एक्सरे की व्यवस्था की जा रही है। तो कोशिश ये है कि जो सालों से जो मूलभूत सुविधाओं की दिक्कत थी, उनको धीरे धीरे करके पूरा किया जाए। सर पिछले एक साल से देख रहे हैं यहाँ बिल्डिंगों में लगातार बदलाव आ रहा है, रोड जो नीचे थे वहाँ उनको ऊपर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सर ये मरीजों के, उनके तीमर्दों काफ़ी, और चिकित्सकों को भी इससे आराम मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा। देखिए, आप कॉलेज साइट का जो कैंपस है उसकी रोड पूरी बन गई है, एक व्यवस्था अच्छी हो गई है, अच्छा लगता है देखने में, मरीजों को बहुत आसानी रहती है, एम्बुलेंस का मूवमेंट फाइन हो गया है। मेडिसिन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने एक रैंप जो बीचों बीच सड़क पर खुलती थी, मैं जिसे पिछले 32 साल से स्वयं देख रहा था, वो ठीक हो गई। सर जुलाई के फर्स्ट वीक में जो ओपीडी शुरू होंगी सर, कितने विभागों की होंगी और कितने डॉक्टर्स हैं इसके सुपर स्पेशलिटी के बैठाए जाएंगे? सर 8 विभागों की ओपीडी शुरू होगी और 8 विभागों में टोटल डॉक्टर्स जो हैं वो 24 रहेंगे, और 24 में से अभी तक हमारे पास 22 डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है, और उम्मीद करते हैं जो दो कम है वो भी आगे आ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम ये मानते हैं कि मेडिकल कॉलेज आगरा ब्रॉड स्पेशलिटी के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी में भी अपनी बेहतरीन सर्विसेज देने के लिए, यहाँ की आम जनता के लिए और आसपास की जनता के लिए आगे आ रहा है। सर देखा जाता था कि सर हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए अक्सर जो है दिल्ली या फिर जो है जयपुर लोग जाते थे, तो उनके लिए सर कितनी राहत मिलेगी सर इसको खुलने से? सर देखिए, मेरा मानना यह है कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के आरम्भ होने के पश्चात इस तरह की विशेष सुविधाएँ जब आरम्भ हो जाएंगी, तो मैं मानता हूँ कि हम गरीब मरीज को यहीं पर समुचित इलाज दे पाएंगे। मैं नहीं समझता कि उसके पश्चात मरीज जो है वो उन बीमारियों को जो सुपर स्पेशलिटी सर्विस कहलाते हैं उनके कारण से हमारे इस कॉलेज से बाहर जाएगा कहीं। सर जैसे कि ये सुपर स्पेशलिटी विभाग काफ़ी सर महंगे हैं, ट्रीटमेंट भी महंगा है, तो उनकी सर दवाइयाँ भी सर यहाँ पर उपलब्ध की जाएंगी? देखिए, विशेष रूप से ये बात समझना होगा, सुपर स्पेशलिटी में जो मेडिसिन रहती हैं वो तो उपलब्ध होंगी शासन द्वारा, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के स्टेंट हैं जो हार्ट के लिए काम आते हैं या कुछ और विशेष प्रकार के उपकरण हैं, वो अमृत फार्मेसी के माध्यम से एक बहुत ही रियायती दर पर मरीजों को उपलब्ध कराए जाएंगे। सर इसके लिए मतलब किस तरह सर और तैयारियां की जा रही हैं कि उसको और बेहतर सुविधा मिल सके और मरीजों को ये मैसेज पहुंच सके कि ये सुविधा सर आगरा के एसएन मेडिकल में शुरू हो चुकी है? सर लक्ष्मी जी, इस समय हमारा प्रयास ये है कि जो भी कार्य सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक से संबंधित हो वो बेहतरीन हो, इसमें हमारी पूरी टीम लगे हुए है, सारे सुपर स्पेशलिस्ट जो इस विभाग में आना है वो लगे हुए हैं, और मैं मानता हूँ कि जब ये विभाग ब्लॉक शुरू होगा तो पूर्णतः अच्छी व्यवस्था में शुरू होगा। ओपीडी जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू करने का हमारा एक टारगेट है, और बाकी की व्यवस्थाएं हम जानते हैं कि अगस्त सितंबर के महीने में इसके अंदर आईपीडी और ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। इसका उद्घाटन करने के लिए सर किसी वीआईपी को, इस तरह किसी को भी सोचा गया ना? देखिए, इस संबंध में शासन को सूचना प्रेषित की जाएगी, शासन से फिर जिस प्रकार की व्यवस्था होगी वो देखा जाएगा, ये शासन के स्तर पर निर्णय होगा इसका। सी न्यूज़ से बात करने से धन्यवाद। सर देखा जा रहा है कि इस एसएन मेडिकल कॉलेज में भी जो व्यवस्थाएं लगातार बदली जा रही हैं, साथ कर जो सुपर स्पेशलिटी की जो 8 विभाग यहां पर होंगे उनको अब जो है जयपुर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी, उनको यहीं संभव इलाज मिलेगा और रियायती दरों पर दवाइयाँ भी उपलब्ध होंगे। कैमरामैन अनूप बघेल के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।